हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कॉलन क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को ठीक से समझने के लिए प्लीज़ इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन पेजेस से आपको स्पेस आइसोलेट, ज्योग्राफिकल डिवीजन और मैथमेटिक मेन क्लास के नंबर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक बार आपको फिर से लाइब्रेरी साइंस में यूज होने वाले जनरल फार्मूला के बारे में बता देती हूँ कि जिसमें है PMEST। पी से पर्सनालिटी, एम से मैटर, ई से एनर्जी, एस से स्पेस, टी से टाइम। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है फर्मिट्स लास्ट थ्योरम। इसे देख के पता चलता है कि मैथमेटिक्स के अंदर से लिया गया है। तो हमारी मेन क्लास हो गई बी, 1-3 हो गई थ्योरी ऑफ नंबर्स जो कि पर्सनालिटी है, 5K हो गया एनर्जी जो कि फर्मिट्स लास्ट लॉ है। तो हमारा नंबर हो गया B13:5K। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो गया डिफरेंशियल प्लेन ज्योमेट्री, जिसकी की मेन क्लास हो गई बी, क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में मिलेगा। पर्सनालिटी हो गई प्लेन ज्योमेट्री जो कि है 6-2। डिफरेंशियल एनर्जी हो गया जिसका कि नंबर है 3। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया ऑर्बिट्स ऑफ कॉमेट्स, इसकी मेन क्लास हो गई बी, क्योंकि ये हमें मैथमेटिक्स में मिलेगा। और इसकी पर्सनालिटी हो गई 9-5-2 जो कि है कॉमेट्स। एनर्जी हो गई ऑर्बिट्स। तो हमारा नंबर हो गया B9:5:72। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि कॉलन क्लासिफिकेशन में आपको नंबर ढूंढना आना चाहिए, नंबर्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।